चैप्टर का नाम है बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका है दूसरा टेस्ट है। पीछे मैंने पहला टेस्ट लिया था और ये दूसरा टेस्ट है। और इस दूसरा टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आज का जो पहला क्वेश्चन है, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। जो एक स्थिर विद्युत आवेश है वो क्या जनरेट करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है। एक स्थिर विद्युत आवेश होता है, दूसरा गतिमान विद्युत आवेश होता है, जिसे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर स्थिर के बारे में पूछ रहा है, और थोड़ा सा वेट करके अगर आंसर मिलता है जो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसका आंसर दे देंगे। फर्स्ट का आंसर यहाँ पर चार लोग देख रहे हैं, चार में से अगर कोई दे सकता है जवाब तो दे। बाउंस बैक सर यूपीएससी TG2 का पेपर लगभग कब होगा? तो इसका तो उम्मीद है 15 दिसंबर तक सुन रहे हैं, उसके बाद अब फाइनल आने के बाद ही नोटिफिकेशन। और विकास राज का आंसर आया है बी, स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विकास राज का आंसर सही है, इसका सही आंसर बी होगा, केवल विद्युतीय क्षेत्र। और जो करंट होता है वो चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों जनरेट करता है, ठीक है। जो स्थिर है वो केवल विद्युतीय करेगा, और जो गतिमान होता है या फिर जिसको हम लोग करंट बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो करंट जो होता है चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे हैं, एक लैंप यदि जल जाए तो अन्य सभी लैंप का क्या होगा, ठीक है। किसी वोल्टेज स्रोत से कई सारे लैंप समांतर में लगे हुए हैं, पैरेलल में बहुत सारा लैंप लगा हुआ है, और इसमें से कोई एक जलता है तो अदर्स के साथ क्या होगा? धीमी रोशनी देंगे अदर, या फिर अधिक रोशनी देंगे, या फिर बुझ जाएंगे, या फिर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। विजय यादव का आंसर बी आया। और इसके अलावा विजय यादव आप क्वेश्चन नंबर भी लिख लें, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। बाउंस बैक का बी, और कोई? तो अब हम इसका आंसर दे रहे हैं, विकास राज का आंसर नहीं आया, तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, प्रभावित नहीं होंगे। पैरेलल में अगर बहुत सारे लैंप लगे हुए तो एक लैंप के जलने या बुझने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नीचे के चित्रानुसार धारा I करंट का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। प्रकाश कुमार का भी आंसर बी आया था, विकास राज का बी आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीन, तीन के साथ आंसर दीजिएगा। यहाँ पर I का वैल्यू निकालना है कितना होगा, यहाँ पर ये जो है 9 एम्पियर है, ये 6 एम्पियर है, 9 और 6 एम्पियर गिवन है। जो एरो दिखा रहा है ये 9 एम्पियर है और ये 6 एम्पियर, यहाँ पर ये 3 एम्पियर है। I का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अभी तक किसी का आंसर नहीं है, 3 का एक लड़का का आंसर आ चुका है, आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ए 9 है, ए 6 है, और यहाँ पर ए जो एरो है 3 एम्पियर है, और करंट का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर प्रकाश कुमार का आया है सिर्फ आंसर, और विकास का डी आया, प्रकाश का बी, विकास का डी, कोई और? राधे श्याम डी। हम लोग क्या करेंगे, जो एक तरफ एरो का डायरेक्शन है उसको एक तरफ ऐड करेंगे, मतलब कि 9 प्लस 6 इक्वल यहाँ पर I प्लस 3, तो यहाँ पर 15 माइनस 3 जाएगा तो I का वैल्यू आएगा 12, तो सही आंसर हो जाएगा D, 12 एम्पियर। विजय यादव का C आया था, तो अब हम इसका आंसर दे दिए। रमेश का D, बाउंस बैक का D, तो तीन लोगों का आंसर D आया है, चार स्टूडेंट का आंसर D आया, बाउंस बैक, रमेश, राधेश्याम और विकास राज, इन चारों का आंसर सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन है, और इसमें फिर से आपको क्वेश्चन नंबर के बाद आंसर लिखना है, रमेश कुमार क्वेश्चन नंबर देने के बाद आंसर लिखे ताकि काउंट किया जा सके उसको। इसमें विशेष प्रतिरोध की इकाई क्या है, 4 नंबर, विशेष प्रतिरोध की इकाई क्या है? रमेश का बी, हरीश सिंह का बी, और रमेश का, ठीक है, प्रकाश का सी, विजय का बी, तो इसका सही आंसर देते हैं, इसका जो सही आंसर होगा बी होगा, ठीक है। विजय का आंसर सही है, रमेश का सही है, हरी सिंह का सही है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ओम मीटर होगा, विशिष्ट प्रतिरोध। उसके बाद नेक्स्ट, एक विद्युतीय तापक संवहन कमरे में उपयोग किए जाने वाली गर्म करने की पद्धति कौन सी है, ठीक है। एक विद्युतीय तापक संवहन कमरे में उपयोग की जाने वाली गर्म करने की पद्धति कौन सी है, तो ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और 5 नंबर का अब नंबर के साथ आंसर देना है, 5 नंबर का
ये सारा जो क्वेश्चन है 2 नंबर चैप्टर से लिया गया है, आपको फिर से एक बार बोल दें कि जो प्लेटफॉर्म का जो बुक है आप उसको फॉलो कीजिए, और मैं जो टेस्ट ले रहा हूँ RRB के लिए उस बुक से ही ले रहा हूँ। आपको सिर्फ हर चैप्टर का सारा क्वेश्चन याद रखना है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। हरीशिन फिर से आप क्वेश्चन नंबर देना भूल गए। विजय यादव का 4 नंबर ही है, हरीशिन का शायद 5 नंबर है, लेकिन आप नंबर लिख लें। और किसी का आंसर नहीं आ रहा है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, 5 का सही आंसर ए है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 6 नंबर। IE नियम होता है, किसके लिए होता है IE नियम? रमेश कुमार का आंसर आया अभी डी। अब 6 नंबर का आंसर आप लोगों को देना है। 6 का हरी सिंह का सी आया है, विनय का ए आया है, और कोई विकास राज का ए आया है, विजय का फिर सी आया है, 2 का ए और 2 का सी आंसर आ रहा है, विकास राज का फिर बी आ रहा है, 4 का, बाउंस बैक का 5 का आंसर आ रहा है। आप लोग थोड़ा एक साथ हो ले। अब 6 का हम सही आंसर बताते हैं। इसका जो सही आंसर होगा ए होगा, सुरक्षा। और डिटेल हम जब फाइनल रिजल्ट देंगे उस समय बता देंगे सारा क्वेश्चंस का। और उसके बाद हालांकि पिछला फर्स्ट जो टेस्ट हुआ उसमें काफ़ी कम लोग एपीयर हुए थे, इसलिए उस क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन मैंने नहीं किया, और जो क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा था उसमें, उस क्वेश्चन को मैंने आज सुबह कर दिया था, मैंने उसे डिटेल बता दिया था। एक क्वेश्चन था जिसमें लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर। पानी भरी बाल्टी से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफी बुलबुले देखे जाते हैं, ठीक है? पानी से भरी बाल्टी में जब हम लोग वायर को डालते हैं तो वहां पर बुलबुला निकलता हुआ नजर आता है। इससे पता चलता है कि सप्लाई किस किस्म का है, प्रत्यावर्ती धारा, दृष्ट धारा, या इनमें से कोई नहीं। 3 ही ऑप्शन है आपके पास। 7 नंबर। विजय यादव का आंसर बी है। कोई और? विनय चिकारा बोल रहे हैं कि पहले टेस्ट में डीसी सीरीज मोटर, उसको मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, और मैंने वो देखा भी ग्रुप में जिस तरह से बात चल रहा था डीसी सीरीज मोटर को लेकर के, अभी तक मैंने उसे बताया नहीं है, पर मुझे क्वेश्चन याद है, आज अगर मौका मिलता है तो हम उसे जरूर बताएंगे। ग्रुप में भी मैंने देखा था लोग डिस्कस कर रहे थे उस क्वेश्चन को। अब यहाँ पर मैं इसका सही आंसर बता दे रहा हूँ। 7 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, दिष्ट धारा। आप चिंता मत कीजिए, वो क्वेश्चन मैं श्योर बताऊंगा। वो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, और डिफरेंट डिफरेंट बुक में आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर मिलेगा, पर वो हम डिटेल जरूर डिस्कस करेंगे, किस कंडीशन में कौन सा आंसर होता है वो हम जरूर बताएंगे। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा पाने के लिए बैटरियों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? 8 नंबर है, उच्च प्रतिरोध और निम्न धारा पाने के लिए बैटरियों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, करंट लो होना चाहिए, इसके लिए समांतर में जोड़ें या फिर श्रेणी या फिर मिश्रित में? 8 नंबर। अब 8 नंबर आपको नंबर देने के बाद आंसर लिखना है। बाउंस बैक का वीडियो काफ़ी स्लो चल रहा है, उनका भी 6 नंबर का आंसर आ रहा है। हरी सिंह का 8 का बी आया है, विजय यादव का बी आया है, बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि देखा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? एग्जाम में देखा हुआ क्वेश्चन जनरली पूछता नहीं है, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, लेकिन हम यहाँ पर जो पूछ रहे हैं सारा क्वेश्चन आप लोग को देखा हुआ है, ठीक है? प्लेटफॉर्म बुक से लिया हुआ सारा क्वेश्चन है। 8 का जो सही आंसर होगा, यहाँ पर कुछ लोगों का आंसर सही है और कुछ का गलत है, तो 8 का सही आंसर बी होगा, श्रेणी। उसके बाद नेक्स्ट है 9, किसी तार की मोटाई किसके मान पर निर्भर करता है? किसी तार की मोटाई किसके मान पर निर्भर करता है? वोल्टेज, विद्युत धारा, दोनों, या फिर किसी पर नहीं? तार कितना मोटा लेना है करंट फ्लो करवाने के लिए, वो किस चीज को देख करके लेंगे, वोल्टेज को या फिर करंट को? 9 का आंसर मुन्ना कुमार का ए आया, वोल्टेज को, और विकास राज का आंसर थोड़ा सा पीछे चल रहा है, और 8 का वो बी दिए हैं। उसके बाद विनय का 9 का बी आया है, हरीशिन का डी आया है। कोई और देगा ए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर? विजय यादव का फिर 9 का बी। जनरली अगर घर में हीटर जलाना होता है तो हम लोग वहाँ पर मोटा वायर लेते हैं, ठीक है? हीटर जलाना होता है तो मोटा वायर लेते हैं, क्यों? वोल्टेज तो हम लोग का कॉन्स्टेंट ही रहता है, वहाँ पर करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग मोटा वायर लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा 9 का, बाउंस बैक बोल रहे सर बुक लेकर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन से पहले आंसर पहले आ जा रहा है, मतलब बाउंस बैक का कहना है सर सब बुक लेकर सॉल्व कर रहा है। इतना आसान नहीं है, बुक में आप जब तक क्वेश्चन को ढूंढेंगे तब तक क्वेश्चन यहाँ पर निकल जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। इतना आसान नहीं है, बुक लेकर के आप ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, जब तक आप ढूंढेंगे तब तक क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाएगा और क्वेश्चन आपका छूट जाएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन लाइन से नहीं लिया गया है बल्कि रेंडमली सिलेक्ट किया गया है। और 9 का हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ए और बी दोनों होगा, जरूरत के अनुसार वोल्टेज या फिर विद्युत धारा, दोनों में से किसी को भी यहाँ पर कंसीडर करना होता है, दोनों में से किसी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं,
लेकिन घर में हम लोग देखते हैं विद्युत धारा जहाँ पर हीटर की जरूरत होती है वहाँ पर हम लोग मोटा वायर ले लेते हैं। तो इस 9 का जो आंसर होगा वो सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। करंट का वैल्यू बताना है 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। 1 सेकंड में 6 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का वैल्यू कितना होगा। डिफिनेशन बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। बाउंस बैक का 9 का आंसर आ रहा है। अच्छा, इनका शायद कहना यह है कि इनके पास जो भी लैपटॉप या मोबाइल है वहाँ पर आंसर इनको पहले मिल जा रहा है। एक्चुअली आप वीडियो से थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, आप उसे थोड़ा आगे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप वीडियो या मोबाइल जो कुछ भी लिए हुए हैं वहाँ पर जो नीचे में रेड कलर का जो दिख रहा है लाइन उसको बढ़ा करके एकदम लास्ट में कर ले, तब आप शायद कुछ। प्रतिरोधक लोड में शक्ति 6 न्यून में से किसके समानुपाती होता है। प्रतिरोधक लोड में शक्ति 6 निम्न में से किसके समानुपाती होता है, मतलब कि पावर लॉस जो होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, धारा के स्क्वायर के या फिर 1 बाई धारा के स्क्वायर। 12 का एक का आंसर, दो लड़का का आंसर आ चुका है, हरी सिंह का सी आया। उसके बाद बाउंस बैक का बी आ रहा है 12 का। प्रतिरोधक लोड में शक्ति 6 मतलब कि पावर लॉस किसके प्रोपोर्शनल होगा, हरी सिंह का डी आ रहा है। एक्चुअली जो पावर होगा वो होता है किसी प्रतिरोधक लोड मतलब कि आर में, तो ये होगा आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो आई स्क्वायर मतलब कि धारा के स्क्वायर, डी सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 13 नंबर, इलेक्ट्रिक प्रेशर किसके समान होता है। 13 नंबर में बताना है। लास्ट में सारे लोग का आंसर डी आया, रमेश कुमार, विजय, विनय, विकास राज। अब 13 नंबर का आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ देना है। 13 का एक का आंसर आ चुका है, विकास राज का बाउंस बैक का अब आंसर आया, विनय का आंसर बी आ रहा है, बाउंस बैक का ए, विजय का सी। अगर आपके पास ए बुक नहीं है, द प्लेटफॉर्म का अगर बुक नहीं है तो आप व्हाट्सएप करके हमसे इसका पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप कर ले, हम इसका पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, इससे आपको सुविधा होगा। और इसका जितना भी क्वेश्चन है हर टेस्ट के पहले हो सकता है 2 दिन आपको समय मिल ही जाएगा, हर एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पूरी तरह से रट जाए इसके सारे क्वेश्चन को, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन ही मिलेगा आपको जिसका लेवल थोड़ा सा ठीक ठाक है, बाकी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो हम व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, जिसके पास नहीं है मेरा व्हाट्सएप नंबर वो मैसेज कर दे बुक लिख करके, हम ये जो बुक है इसका पीडीएफ उनको सेंड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जो देखा हुआ क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। 13 का सही आंसर होगा ए, विद्युत धारा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वेक्टर राशि कौन सा है। 4 ऑप्शन है, हरी सिंह अपना नंबर दे रहे हैं, एक्चुअली मैं नंबर दे दूंगा, ठीक है। जिसके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है मैं अपना व्हाट्सएप नंबर उन्हें प्रोवाइड करा दूंगा, और उस नंबर पर आप बुक लिख करके हमको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप बुक लिखकर मैसेज कर दीजिएगा। इस लेक्चर के लास्ट में हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे अगर किसी के पास नहीं है तो। कल्याणी का प्लेटफॉर्म बुक की बात कर रहे हैं हम, प्रकाश कुमार पूछ रहे हैं कल्याणी का प्लेटफॉर्म बुक की बात कर रहे हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो वो हमें बुक लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेंगे, हम लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। अगर किसी के पास नहीं है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेंगे और बुक लिख करके उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देंगे। अब हम 14 का सही आंसर बता दे रहे हैं। 14 का जो सही आंसर होगा वो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है होता है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो काफ़ी लोग का आंसर सही भी आया है, इसका सही आंसर 14 का सी होगा। उसके बाद 15 नंबर, यदि पृथ्वी का व्यास 6400 किलोमीटर है, ठीक है, तो पृथ्वी की धारिता का मान क्या होगा। 15 नंबर में पृथ्वी की धारिता पता करना है आपको। 3 नंबर का एक का आंसर आया, बाउंस बैक का आंसर आ चुका है, और कोई। राजू कुमार आप क्वेश्चन नंबर भी लिख लिया कीजिए साथ में। विकास राज का सी आया है, विनय चिकारा का ए आया, तो 2 स्टूडेंट का आंसर सी आया है। उसके बाद राजू कुमार ए आंसर दे रहे हैं, पर आप क्वेश्चन नंबर लिख लें साथ में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमको काउंट करने में सुविधा होगा। जब रिजल्ट देना होता है तो काउंट करना होता है सारा का आंसर, तो इसलिए आप साथ में क्वेश्चन नंबर भी लिख लिया करें। तो 15 का अब सही आंसर दे दे रहे हैं, 15 का सही आंसर सी होगा, 711 माइक्रो फैराड, विकास राज का आंसर सी आया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय जाधव का भी सी आ चुका है,
हरीश सिंह का बी आ रहा है। अब आपको 16 नंबर का रिप्लाई देना है। प्रकाश कुमार सी दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। किसी तार में 5 सेकंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, 15 नंबर का हम डिटेल डिस्कस कर देंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप का जो जो क्वेश्चन आएगा उसको हम थोड़ा सा डिटेल से बता देंगे बाद में आगे चल करके। 16 नंबर का भी डिटेल डिस्कशन हम कर देंगे। किसी तार में 5 सेकंड के लिए विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 60 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। यही धारा इससे आधे प्रतिरोध वाले तार में प्रवाहित की जाती है। आप थोड़ा सा समय लें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। रेजिस्टेंस को आधा किया है और 5 सेकंड में बोल रहा है कि अब कितना ऊष्मा जनरेट होगा। 16 का आंसर आया है विकास राज का और बाउंस बैक का, इसके बाद विनय का, और कोई प्रकाश कुमार का डी आ रहा है। एक्चुअली जो ऊष्मा होता है ये आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है, जो कि आपको गिवन है 60 जूल। बोल रहा है कि रेजिस्टेंस को आधा कर देंगे तब कितना होगा, तो कर देते हैं आधा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना होगा। टाइम तो सेम ही है, टाइम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस आधा हो गया और अब जो ऊष्मा जनरेट होगा वो होगा 30 जूल। तो सही आंसर जो होगा इसका बी होगा, 30 जूल। के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं, ठीक है, दो कंडक्टर है, दोनों में जो करंट का डायरेक्शन है सेम है, ठीक है। तो बोल रहा है कि चालक अनुनाद में होंगे, दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या फिर आकर्षित करेंगे। दो वायर है, दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर क्या करेंगे कि एक वायर दूसरे को आकर्षित करेंगे या फिर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे या फिर दोनों के बीच का वोल्टेज बढ़ जाएगा। 17 का रमेश कुमार का आंसर आया, बाउंस बैक का आया, विनय का आया, विकास का, और सारे लोग का आंसर डी आ रहा है, और सारे लोग का आंसर सही है, ठीक है। कॉमन कौन एक क्वेश्चन था, अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे तो फिर आंसर सी हो जाएगा, पर यहाँ पर सेम डायरेक्शन है तो आकर्षित करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में से जुड़ा होता है। घर में जो पंखा और लैंप लगा होता है वो किस टाइप से जुड़ा होता है, सीरीज में, पैरेलल में, या फिर दोनों का संयोजन होता है। 18 का बाउंस बैक आंसर आया, और उसके बाद विनय का और सारे लोग का आंसर बी आ रहा है। विकास राज का भी आंसर बी, प्रकाश कुमार का भी बी, सारे लोग का आंसर बी आ रहा है और सबका आंसर सही है समांतर में। उसके बाद 19 19, संधारित्र वोल्टेज स्थिर रखकर जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, वोल्टेज को सेम रखा गया है, कॉन्स्टेंट रखा गया है, और क्षेत्रफल बढ़ाया गया है प्लेट का, दो प्लेट है, पैरेलल प्लेट है, दो कैपेसिटर, तो बोल रहा है कि इनके बीच के जो फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये जो एरिया है प्लेट का वो बढ़ा दिया गया है, जो कि एरिया को बढ़ाने से दोनों के बीच लगने वाले फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 19 बाउंस बैक आंसर आया विनय चिकारा का। राजेश कुमार इंग्लिश के लिए बोल रहे हैं, इंग्लिश के लिए अगर आप SSJE का टेस्ट, SSJE या फिर BSPNL का, उस टेस्ट को अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो हिंदी में है। इंग्लिश के लिए एक टेस्ट चल रहा है जो कि JE के लिए है, तो फिर उसको आप देख सकते हैं। प्रकाश का आंसर डी है। BSPCL का जो टेस्ट होने वाला है नेक्स्ट, वो कल होगा 10:30 बजे शाम में, रात के टाइम में, और इसका जो सही आंसर होगा 19 का, अब हम बता रहे हैं 19 का सही आंसर ए होगा, अधिक, ठीक है। तो कुछ कुछ स्टूडेंट का आंसर सही हुआ है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस चीज पर डिपेंड करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस चीज पर निर्भर करता है। चालक की बनावट, लंबाई, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, चालक के प्रतिरोध पर। 20 असलम अंसारी का आंसर सी आ रहा है। बाउंस बैक विनय का आंसर ए आया है, विजय का फिर डी आ रहा है, चालक के प्रतिरोध पर। हम लोग क्या जानते हैं, आर इज इक्वल टू रो इंटू L/A। यहाँ पर पूछ रहा है कि ये जो रेजिस्टिविटी होता है या फिर विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ये किस चीज पर डिपेंड करता है। तो ये हम बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ चालक के बनावट या फिर पदार्थ किस टाइप का मटेरियल लिया गया है उस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करता है किस टाइप का मटेरियल लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा 20 का ए होगा। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और स्टूडेंट्स बने हैं तो प्रीवियस अगला जो टेस्ट होगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 अगला टेस्ट में सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप पर आपको डेट और टाइम मिल जाएगा नेक्स्ट टेस्ट का, वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होगा और धीरे धीरे इसको हम बढ़ाएंगे, ठीक है।
और इसमें जो जो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का था उसका हम सोल्यूशन कर देंगे एक साथ इस चैप्टर की, इसका भी मतलब कि टेस्ट टू है, टेस्ट टू से भी क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लेंगे और टेस्ट वन से भी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेंगे जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप का है, उसको हम डिस्कस कर देंगे आरआरबी वाला। और बाकी बुक का पीडीएफ जिसको जिसको चाहिए उस इस नंबर पर 9147786396, ठीक है, यहाँ पर बुक पीडीएफ लिख करके व्हाट्सएप कर देना है, हम इस बुक का पीडीएफ आपको दे देंगे। और इसका सारा क्वेश्चन आप देख लिया कीजिए, ठीक है, आरआरबी के लिए बना हुआ है ई बुक, और हर चैप्टर का आप सारा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, उसको याद कीजिए और हर चैप्टर से टेस्ट दे दीजिए। एग्जाम से पहले तक किसी तरह इस बुक को कंप्लीट करना है। रमेश कुमार बोल रहे हैं व्हाट्सएप क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए, डिस्कस करना तो बिल्कुल हम भी चाहते थे, व्हाट्सएप पर जो क्वेश्चंस आता है हम उसे भी डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन समय मिल नहीं पा रहा है क्योंकि अभी ए टेस्ट हुआ, उसके बाद प्रीवियस जो टेस्ट किए उसका भी क्वेश्चन डिस्कस करना होता है। तो आगे देखते हैं, अगर मौका मिला तो हम जरूर कोशिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे की बात करें तो अगला दिन यूपीपीसीएल का है, उसके बाद रात में फिर बीएसपीसीएल का है, फिर इन दोनों टेस्ट का क्वेश्चन जो होगा उसको भी डिस्कस करना होगा। तो समय निकालेंगे, अगर समय निकलता है तो हम जरूर चाहेंगे कि जो व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप जो भी क्वेश्चन आता है ठीक ठाक क्वेश्चन आता है, सारे लोग सिलेक्ट करके ही क्वेश्चन भेजते हैं, जो उनसे नहीं बनता है वो क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेजते हैं। तो अगर मौका मिलता है तो हम कोशिश जरूर करेंगे किसी तरह उसको डिस्कस करें। प्रकाश कुमार बोल रहे हैं बुक का पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो आप हम बताएं इस व्हाट्सएप नंबर पर बुक पीडीएफ लेकर के मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको बुक सेंड कर देंगे, मेरे पास इसका पीडीएफ है। रमेश कुमार इसका भी न्यूमेरिकल डिस्कस कीजिए, कौन सा न्यूमेरिकल आप एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए, कौन सा न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, और आज अगर मौका मिलता है तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जो कि बीएसपीसीएल जो आईटीआई का फिर से एग्जाम होने वाला है उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, और ऐसे भी जो बीएसपीसीएल का अगला टेस्ट होगा या फिर एसएससी जेई के लिए, जेई के लिए जो होगा वहाँ पर मैंने 50% क्वेश्चन न्यूमेरिकल रखने का फैसला किया है, ठीक है, वो 50% जो क्वेश्चन होगा लोगों के लिए फायदेमंद होगा, बस वो थोड़ा सा इंग्लिश में होगा, लेकिन हालांकि उसका हम जो डिस्कशन करेंगे हिंदी में ही करेंगे, लिखा हुआ सिर्फ क्वेश्चन जो लिखा हुआ रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, लेकिन बाकी सारा कुछ हिंदी में ही रहेगा, और ये जो क्वेश्चन होंगे ठीक ठाक क्वेश्चन होंगे जिससे काफ़ी कंसेप्ट, दो तीन कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो। तो ठीक है, इसको अब यहीं पर फिनिश करते हैं, और आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपको बुक मिल जाएगा। थैंक यू।